कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हम जानते हैं कि आज हमें कंप्यूटर की आवश्यकता कितनी होती है हर जगह, जैसे कि ऑफिस वर्क, घरेलू वर्क। कंप्यूटर एक ऐसा स्थान बना चुका है अभी हमारे लाइफ में कि फर्स्ट स्थान। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट लेके सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके मॉनिटर द्वारा आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स यानी कि कंप्यूटर के भाग। ठीक है, जैसे कि अंक। ठीक है, यदि हमारे पास अंक नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने अंक हैं कंप्यूटर के, चलो बात करते हैं। तो फर्स्ट अंक है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। फिर इसके बाद है हमारा दूसरा मॉनिटर, मॉनिटर है हमारे पास। फिर तीसरा कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद माउस, माउस के बाद प्रिंटर। ये हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंक हैं, और अदर्स इसके ज़्यादा भी हैं कि स्पीकर्स वगैरह आदि। ठीक है, तो बात करते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यूजर जो उसे इनपुट देता है वह सीपीयू प्रोसेसर का काम करता है, यानी प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं इनपुट दिया यूजर ने। ठीक है, जैसे कि इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड और माउस। नॉर्मली बात में बात करते हैं हम, कीबोर्ड और माउस जो होता है वह हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे इनपुट हमने दिया, इसके बाद इनपुट जाती है हमारी सीपीयू में। सीपीयू काम क्या कार्य करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें मॉनिटर पे आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा मॉनिटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंटर। प्रिंटर भी एक कंप्यूटर का ही भाग होता है, जो हमें प्रिंट करने में मदद करता है, यानी प्रिंट देने में हमें हेल्प देता है। प्रिंट यानी कि हार्ड कॉपी देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। ठीक, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। सीपीयू जो है वो हमारा हार्डवेयर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहचान इसकी समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक, तो हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और रिपेयर वगैरह कर सकते हैं, वह हमें हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बता ही दिया था अभी, सीपीयू हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा मॉनिटर, मॉनिटर को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक हमारा हार्डवेयर है। इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक हमारा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं माउस। ठीक, माउस भी एक हमारा हार्डवेयर है। प्रिंटर, प्रिंटर भी हार्डवेयर, स्कैनर आदि, ये हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, जैसे कि ऐप्स वगैरह जो सब कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS विंडो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस हमारा सॉफ्टवेयर है, Adobe फोटोशॉप हमारा सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों यदि नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा, हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हार्डवेयर होगा तो उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर डालने ही होंगे। ठीक है, यदि हमने हार्डवेयर है और उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर नहीं डाले तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा।